अपनी पत्नी फातिमा को वीडियो कॉल किया और कहा कि मुझे गोली लगी है, नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, हमारे बेटे का ख्याल रखना। हुमायूं शहीद हो चुके हैं, उन्हें पेट में गोली लगी थी। ये रूह कपा देने वाले अल्फाज डीएसपी हुमायूं भट्ट के आखिरी शब्द थे जब वो अनंतनाग के गडूल कोकेरनाग में बुधवार की सुबह आतंकियों की गोली से घायल हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल सहित सुरक्षा बल के 3 अधिकारी शहीद हो गए। इनकी पहचान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट के रूप में हुई। 12 सितंबर के रोज कोकेनाग के हलूरा गडूल इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई। सेना की यूनिट को लीड कर रहे थे 19 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में तैनात कर्नल मनप्रीत सिंह। शाम को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, रात में बंद कर दिया गया। 13 सितंबर को ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। जिस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी, टीमें उसी तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच उधर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस दौरान ऊंचाई पर पहले से छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद खबर आई कि सेना के एक अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी को गोली लगी है। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिर 13 सितंबर की शाम तक खबर आई कि भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस में डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह को 2021 में वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया था, जबकि मेजर आशीष को कुछ हफ्ते पहले 15 अगस्त को वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस अधिकारी हुमायूं भट्ट के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी पद से रिटायर्ड है। मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। वो मूल रूप से बिजौल गांव के रहने वाले थे, हालांकि अभी उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। आशीष 3 बहनों में इकलौते भाई थे। उनकी 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। वही 2 साल की बेटी के पिता भी है। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट को बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बचाया नहीं जा सका। डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। डीएसपी हुमायूं भट्ट के शव को बड़गाम के हुमहामा में बुधवार देर रात सौंप दिया गया। हालांकि वे पुलवामा जिले के रहने वाले थे, लेकिन काफी समय से वो जम्मू कश्मीर के हुमहामा में रह रहे थे। आपको बता दें, इस आतंकवादी हमले में कोकारमाग के ही उग्रवादी उजैर खान का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उसने 2 आतंकियों के साथ मिलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। बता दें कि उजैर अनंतनाग में एकमात्र सक्रिय आतंकवादी है। जम्मू कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया और बताया कि हमारी सेनाएं उजैर खान समेत एलएटी के 2 आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि शहीद अफसरों की अटूट वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गोडूल, कोकरनाग, अनंतनाग एनकाउंटर में पुलिस और सेना के बहादुर अधिकारियों की शहादत पर दुख जताया है। डीजीपी ने कहा, इस घटना से बेहद दुख पहुंचा है, जीवन की हर हानि दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। डीजीपी ने शोक स्तंभ परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई और कहा, पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस बल शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। यह हमला जम्मू क्षेत्र के राजौरी में पीर पंजाल के दक्षिण में गोलीबारी में सेना के एक जवान और सेना के डॉग यूनिट की लैब्राडोर कैंट की मौत के एक दिन बाद हुआ है। आपको बता दें, कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। कश्मीर में अनंतनाग के गडूल कोकेरनाग में 4th दिन शुक्रवार को भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है।
सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है, इन्हें कभी भी ढेर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।